हम कर चुके हैं लिंक्ड लिस्ट का एक सेशन हमने किया है जिसमें हमने डिस्कस किया कि एक्चुअली लिंक्ड लिस्ट क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें अरेज़ से क्या कंपैरिजन है अरेज़ का और लिंक्ड लिस्ट का। अब हम ये करेंगे इस और क्या किया था हमने कि नोड्स क्या होते हैं और जो नोड्स हैं वो किस तरह से क्रिएट होती हैं, और उसको कोड भी करके देखा था हमने कि एक नोड क्या होती है और वो किस तरह से क्रिएट करती है। अभी हमने जो काम नहीं किया था, अभी नोड्स को कनेक्ट नहीं किया था। कुछ इस तरह से हम कर चुके हैं कि लिंक्ड लिस्ट में ये जो नोड्स हैं, मल्टीपल नोड्स किस तरह से कंस्ट्रक्ट की जाती हैं वो हम देख चुके हैं। ये क्रिएट का फंक्शन बनाते हैं, क्रिएट का फंक्शन जो है उसको आप वैल्यू, एक इंटीजर लिस्ट अगर क्रिएट करनी है तो हम उसे इंटीजर वैल्यू पास कर देते हैं, और इंटीजर वैल्यू जो है वो असाइन कर देते हैं हम एक न्यू के थ्रू, एक डायनामिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और उसके बाद फिर आप उसको वैल्यू असाइन करते हैं। बाद में ये होता है कि जब आप मेमोरी को यूज़ कर लें तो हमारे पास इसका बेनिफिट ये है कि न्यू के थ्रू एलोकेटेड मेमोरी होती है, तो हम उस एक पर्टिकुलर नोड को डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल ये थीम, अभी इतना हुआ है कि तीन नोड्स क्रिएटेड हैं, लेकिन ये कनेक्ट किस तरह से हुई हैं ये नहीं अभी। और ये किस तरह से क्रिएट हुई हैं, मेन का फंक्शन हमने किया था, मेन के फंक्शन में हमने क्रिएट का फंक्शन कॉल किया था। थोड़ा सा रिवाइज करूँ तो कुछ इस तरह से हमने किया था कि नोड टाइप के पॉइंटर्स N1, N2, N3 तीन पॉइंटर्स ले लिए थे। अभी ये ब्लैंक पॉइंटर्स हैं, ये बस एड्रेस कंटेन कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल इसके अंदर तीनों नोड्स नहीं हैं। N1 इज़ इक्वल्स टू क्रिएट और वैल्यू पास की टेम्पल, N2 इज़ इक्वल्स टू क्रिएट वैल्यू पास की 23 और N3 इज़ इक्वल टू क्रिएट और वैल्यू पास की 23। सो इस तरह से ये तीनों नोड्स क्रिएट हो रही हैं। ये जो फर्स्ट N1 इज इक्वल टू 10 है, एक्चुअली वो ये नोड क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे है और ये 30 वाली है। कुछ ग्राफिकली देखें तो ये इस तरह से नोड्स क्रिएट हो रही हैं, और आप देख रहे हैं कि ये कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड अगर होंगी तो उनमें एक दूसरे का एड्रेस आएगा, यानी ये जो नोड है फर्स्ट नोड, अगर हम इसको इससे कनेक्ट करना चाहते हैं 20 वाली नोड के साथ, तो कनेक्ट करने का मतलब है कि इसके पास इसका एड्रेस होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पलरी हम एड्रेस रख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, अब अगर ये तीनों नोड्स कुछ इस तरह से हैं कि अब ज़ाहिर है इनके एग्जैक्ट एड्रेसेस तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम इलस्ट्रेशन के लिए अज्यूम कर सकते हैं एड्रेसेस कि अगर जो फर्स्ट नोड है इसका एड्रेस है 1 2 3 8 हेक्स, हेक्साडेसिमल्स में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये मैं कमेंट्स के साइन लगाया है। और जो दूसरी नोड है इसका एड्रेस है AB01, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, F001 फॉर एग्जाम्पल, हेक्स। सेकेंड नोड का एड्रेस ये है, मैं इनके ऊपर इनके एड्रेसेज भी मैंशन कर देती हूँ, 1 2 3 8 2 3 8। सेकेंड नोड है AB01, मैंने अज्यूम किए हैं ये एड्रेसेस, ये कोई कोई नहीं है फिक्स एड्रेस नहीं है, ना कोई रूल है, ये तो कोई भी आप 1 2 3 कर लें, 1 2 3 4 कर लें, क्योंकि 16 बिट का एड्रेस है, इसलिए मैंने 4 हेक्सा डिजिट्स ले ली हैं उनको, F001। फॉर एग्जाम्पल ये इनके एड्रेसेस, ये तीन नोड्स जो है न्यू के थ्रू आपने क्रिएट किए, फॉर एग्जाम्पल ये इनके एड्रेसेस हैं। अब हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं कनेक्ट किस तरह से करना है आपने इसको, जो एक्स्ट्रा क्लियर कर दीजिए। ओके, अच्छा, कनेक्ट करने का मतलब है कि आपके पास
is your first number? हम कुछ इस तरह का मैकेनिज्म यूज़ करें कि जो फर्स्ट नंबर 1, 2, 3 ए लोकेशन पे जो पड़ी है जिसकी वैल्यू 10 है, इसके पास नल ना हो नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट वाले वेरिएबल में नल ना हो बल्कि 20 वाले नोड का एड्रेस हो ए बी सी का। और अगर इस तरह हो जाता है तो इट मीन्स के ये कनेक्ट अगर इसके पास इसका एड्रेस है तो इट मीन्स कि अब ये दोनों कनेक्ट हो गई है, पहली वाली के पास दूसरी का एड्रेस होना चाहिए। इसी तरह ये जो 20 वाले नंबर है, अगर मैं इसको एड्रेस असाइन कर दूँ नल की जगह पे F001 का, तो इट मीन्स कि ये दोनों कनेक्ट, अब ये दोनों कनेक्ट हो गए। ठीक है, वो जो एरोस लगाए थे ना उनका ये मतलब था कि फर्स्ट नोट के पास सेकेंड नोट का एड्रेस होना चाहिए, ताकि मैं उस एड्रेस पर अगर मैं फर्स्ट नोट पे हूँ तो मैं एक्सेस कर सकूँ सेकेंड नोट को। डेफिनेटली मैं उसके एड्रेस को एक्सेस करूँगी तो मैं उस पर उसकी वैल्यू को यूटिलाइज कर सकती हूँ। इसी तरह सेकेंड नोट पर हूँ मैं, तो मैं अगर थर्ड नोट का एड्रेस है मेरे पास तो मैं थर्ड नोट को एक्सेस कर सकती हूँ। और उसी केस में हो सकता है कि थर्ड नोट का सेकेंड नोट के पास थर्ड नोट का एड्रेस हो। ठीक है, ये एक्चुअली हम करना चाहते हैं कि कनेक्शन का ये मतलब है लिंक, इसको कहते हैं कि ये लिंक लिस्ट है, दिस इज लिंक लिस्ट, ये लिंक लिस्ट होती है, इसको लिंक लिस्ट कहते हैं। सो लिंक लिस्ट का मतलब है कि जो आपने नोड्स बनाए हैं ये कनेक्टेड हैं, इनको कनेक्टेड करने का मतलब है कि हर नोड के पास अपने से नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। क्या अब जाहिर है लास्ट नोड है उसके पास, उससे आगे नेक्स्ट कोई भी नोड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट नल ही है, नल ही रहेगी। अच्छा, अब ये काम करने के लिए हम ये स्ट्रेटजीज हम इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करते हैं। सो अब हमारा मेन पर्पस, मेन फोकस ये है कि नोड को नेक्स्ट नोड से कनेक्ट किस तरह से करें। ठीक है, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को थर्ड, थर्ड को फोर्थ और सो ऑन, कनेक्शन किस तरह से है। ठीक है, अब हम ये काम करने लगे हैं, इसको कहते हैं कि नोड में इंग्लिश में इंसर्शन किस तरह से करनी है। तो मैं दोबारा से क्रिएट का फंक्शन ही बनाऊंगी। अब मैं जहाँ पे भी क्रिएट के फंक्शन की बात करूंगी आपको ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि क्रिएट का फंक्शन बनाने का क्या मतलब है। ओके, सो अब हम बात करेंगे इंसर्शन इन लिंक्ड लिस्ट। लिस्ट में इंसर्शन कैसे होती है, इसमें जो पहला केस है वो क्या होता है। चार केसेस हम डिस्कस करेंगे जो कि इंसर्शन करते हुए हमें फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहला केस ये है कि आपके पास लिस्ट जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो पहले केस का मतलब है कि आपने पहली नोड इंसर्ट करनी है, इंसर्शन, इंसर्ट फर्स्ट नोड। यानी हम फर्स्ट नोड इंसर्ट करने लगे, ये फर्स्ट केस। अच्छा, जब भी आपने लिंक लिस्ट मैनेज करना स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको दो पॉइंटर्स मैनेज करने पड़ेंगे। एक, क्योंकि हम पूरी लिस्ट बना रहे हैं, तो एक होगा फर्स्ट का और एक होगा लास्ट का। नोड टाइप के पॉइंटर्स, यानी जो लिस्ट हम बनाएंगे उसमें आप दो पॉइंटर्स मैनेज करेंगे, एक फर्स्ट का यानी कि फर्स्ट नोड कौन सी है और एक लास्ट का। इन दो पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए हम पूरी लिस्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसको फिर एक्सेस करेंगे बाद में। So program.
प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो ये क्या काम हम करेंगे? सो दो पॉइंटर्स जो आपने मैनेज करने हैं वो फर्स्ट और लास्ट का पॉइंटर होंगे। अगर आप प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करूँ तो किस तरह से होगा कि स्ट्रक्चर लिस्ट के नाम का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अच्छा, जो नोड का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज़ बनेगा। ये उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है जो कंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी है। लिस्ट के नाम का स्ट्रक्चर होगा और लिस्ट में हम दो पॉइंटर्स यूज़ करेंगे, डिक्लेयर करेंगे नोड टाइप के, वो जो आपने नोड टाइप का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया ना उसी टाइप के दो पॉइंटर्स, कोई भी नाम लिख लें उसको, एक फर्स्ट का और एक लास्ट का। नोड टाइप के पॉइंटर्स का मतलब है कि ये एड्रेसेस स्टोर करेंगे नोड्स के। अगर यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर लिखती तो इसका मतलब होता कि फर्स्ट और लास्ट सिंपल इंटीजर का एड्रेस स्टोर करेंगे। अगर करेक्टर पॉइंटर लिखती यहाँ पे, सो हो सकता है आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा हो कि ये नोड टाइप के पॉइंटर्स क्यों लिए हैं यहाँ पे, इंटीजर पॉइंटर क्यों नहीं लिखा या करेक्टर पॉइंटर क्यों नहीं लिखा। तो उसका रीज़न ये है कि पॉइंटर का मतलब होता है कि जिस टाइप का भी आप डिक्लेयर करते हैं वो उस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। सो अभी इस केस में इस तरह से है कि अगर मैंने इंटीजर पॉइंटर लिखा होता तो इसका मतलब था उसने एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर करना है। अगर मैंने करेक्टर पॉइंटर लिखा होता तो इट मीन्स कि उसने करेक्टर का एड्रेस स्टोर करना है। लेकिन एक्चुअली हम स्टोर क्या करवा रहे हैं, नोड्स के एड्रेसेस स्टोर करवाने हैं, इसलिए नोड टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे हम यहाँ पर। और ये नोड टाइप यानी ये जो हमने इससे पहले नोड का स्ट्रक्चर बना के सिंपल उसके अंदर वैल्यू जो भी आपकी इंटीजर वैल्यू थी और साथ नेक्स्ट का वैल्यू, तो वो एज इट इज़ वैसे कलर से, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये एक नया स्ट्रक्चर है जो कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है, और नोड टाइप का फर्स्ट और नोड टाइप का लास्ट। अब ये फर्स्ट और लास्ट इनका इनिशियली ये नल होंगे, इनिशियली इनके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी। एक इनिट का फंक्शन बना लेते हैं जब भी इस को कोड करने लगेंगे, तो एक इनिट का फंक्शन बना लेते हैं, वो void init, आप उसको एक लिस्ट पास करेंगे, लिस्ट का एड्रेस l, और वो क्या करेगा, l डॉट फर्स्ट इज इक्वल टू null, क्योंकि ये पॉइंटर है ना, तो इनिशियल वैल्यू उसकी null रख देते हैं उसकी, l डॉट लास्ट इज इक्वल टू null, ठीक है। सो बैकएंड पे कोड इसका इस तरह से जो इनिशियल कोड है। अच्छा, अब जो फर्स्ट केस है वो ये है कि आपने जब भी लिस्ट कंस्ट्रक्ट करनी स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आप एक पहला केस ऐसा हो सकता है कि होता है कि आपने पहली नोड जब इंसर्ट करनी है तो क्या करना है। ऑब्वियस बात है कि जब आपने क्रिएट के थ्रू पहली नोड क्रिएट कर ली तो आपने लिस्ट को जब उसे पास करना है तो आपने हम उसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट दोनों को उस एक नोड पे पॉइंट करा देंगे। यानी कि आपने फर्स्ट नोड क्रिएट कर ली, क्रिएट ही किस तरह से हुई है, वो एक क्रिएट का फंक्शन कॉल करके, मेन में आपने क्रिएट का फंक्शन कॉल किया और जो क्रिएट का फंक्शन कॉल किया उसके बाद से ही आपकी ये वाली नोड क्रिएटेड है। इस नोड के क्रिएट होने के बाद ये करना है कि हमने अब इसको, ये नोड तो क्रिएट हो चुकी है, अब आपने इसको लिस्ट में इंसर्ट करना है। लिस्ट में इंसर्शन का मतलब है कि जो हमने लिस्ट बनाई हुई है, जिसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसका एक ऑब्जेक्ट लेंगे लिस्ट का, और इनिट का फंक्शन भी डेफिनेटली कॉल करेंगे। जो फर्स्ट और लास्ट पॉइंटर्स हैं लॉजिकली वो दोनों पहली नोड को पॉइंट करने चाहिए, फर्स्ट भी इधर आए और लास्ट भी इधर ही होना चाहिए। तो लॉजिकली जब आप पहला केस ये है इंसर्शन का, जब आप पहली नोड इंसर्ट करते हैं तो जो भी वो नोड हो आपने लिस्ट का फर्स्ट और लास्ट डायरेक्ट उसके ऊपर पॉइंट करा देना है। पॉइंट कराने का मतलब ये कि फर्स्ट जो पॉइंटर है वो किस टाइप का है, नोड टाइप का, फर्स्ट के का जो एड्रेस है, फर्स्ट इज इक्वल्स टू दिस नोड और लास्ट इज इक्वल्स टू दिस नोड, दोनों को इसी नोड पर पॉइंट करना है, ओके। और ये अब होगा किस तरह से, एक फंक्शन बनाएंगे
अब ये पहली नोड इंसर्ट हो रही है, तो हम फंक्शन का नाम रख देते हैं इंसर्ट फर्स्ट नोड। इंसर्ट फर्स्ट नोड, सो ये इंसर्ट फर्स्ट का जो फंक्शन है इसको हम लिस्ट पास करेंगे कि किस लिस्ट में उसने इंसर्शन करनी है, आई मीन लिंक्ड लिस्ट, यानी ये जो लिस्ट का स्ट्रक्चर बनाया है ना हमने, इस एक स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट पास करेंगे बाय रेफरेंस, और दूसरा वो नोड पास करेंगे जिसको हम एज फर्स्ट नोड लिस्ट में कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, सेंड करना चाह रहे हैं। सो इंसर्ट फर्स्ट नोड यानी फर्स्ट नोड हम इंसर्ट करने लगे हैं, और दो हमने उसे पैरामीटर्स पास किए हैं, एक लिस्ट का यानी जिस लिस्ट में हमने इंसर्शन करनी है, और दूसरा वो नोड जिसको हमने एज अ फर्स्ट नोड सेंड किया। तो अब इसका कोड सिंपल ये होगा कि ये लिस्ट, ये फर्स्ट और लास्ट इस लिस्ट के मेंबर्स हैं। सो इसको इनको एक्सेस कैसे करेंगे, ये क्योंकि ये पॉइंटर नहीं है, ये बाय रेफरेंस हमने ऑब्जेक्ट ही सेंड किया हुआ है, तो हम यहाँ पे एरो यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डॉट यूज़ कर रहे हैं। अगर आप बाय पॉइंटर करना चाहते हैं तो बाय पॉइंटर भी हो सकता है, लेकिन मैंने बाय रेफरेंस किया हुआ है। ओके, लिस्ट डॉट फर्स्ट इज इक्वल्स टू ये जो आपने नोट सेंड किया है एन, लिस्ट डॉट लास्ट इज इक्वल टू एन। इस लॉजिक के अकॉर्डिंगली ये कोड इस तरह से हो रहा है। लॉजिक ये थी कि आप जो भी फर्स्ट नोड है उस नोड को, उस फर्स्ट नोड को फर्स्ट और लास्ट दोनों कहेंगे, यानी लिस्ट के फर्स्ट और लास्ट मेंबर जब कोई नोड नहीं है तो फर्स्ट भी वही है और लास्ट भी वही है। सो उसके लिए कोड इस तरह से होगा, फर्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट इस नोड को पॉइंट कर रहा है। और जब हमने कोड करना शुरू किया तो कोड इस तरह से है कि फर्स्ट जो है वो इस नोड एल डॉट फर्स्ट इज इक्वल्स टू एन, एंड ये नोड है जो हमने पाँच पैरामीटर्स को पास किए, और लिस्ट, लिस्ट भी हम, लिस्ट का ऑब्जेक्ट हम जब मेन में फंक्शन कॉल करेंगे तो पास करेंगे। सो लिस्ट के फंक्शन के थ्रू हम फर्स्ट और लास्ट कॉल कर रहे हैं, और एन जो है वो हमारा नोड का ऑब्जेक्ट, नोड जो कि हमने एज अ नोड, एज अ फर्स्ट नोड पास की हुई है। ठीक है, अच्छा ये था फर्स्ट केस इंसर्शन का, इंसर्शन का ये तो फर्स्ट केस का मतलब है हम फर्स्ट नोड इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्शन का नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। अगर कोई नोड हमने फर्स्ट नोड से पहले इंसर्ट करनी है तो क्या करेंगे? इजीयर केसेस जो है वो मैं पहले डिस्कस कर लेती हूँ, बाद में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस डिस्कस करेंगे। अभी सेकेंड इजी केस है कि अगर हमने कोई नोड इंसर्ट करनी है फर्स्ट नोड से पहले, टेन है, फर्स्ट भी ये है और लास्ट भी है, ठीक है, और नेक्स्ट डेफिनेटली ना ले, ठीक। अच्छा, अब हमने एक ऐसी नोड इंसर्ट करनी है जो हम फर्स्ट से पहले इंसर्ट करना चाह रहे हैं, इंसर्ट बिफोर फर्स्ट। तो क्या करना चाहिए हमें? डेफिनेटली लास्ट नोड तो यही रहेगी, जो नई नोड इंसर्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल उसकी वैल्यू 5 है,
उसके नेक्स्ट में भी फिलहाल नल ही पड़ा हुआ है क्योंकि वो भी क्रिएट के थ्रू ही क्रिएटेड है, इस तरह से वो है, और हम उसको फर्स्ट से पहले इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि हम फर्स्ट के जो नई नोड है उसके नेक्स्ट में नल की जगह हम चाहते हैं कि यहाँ पे एड्रेस आ जाए इस वाली नोड का। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस था 1234, हम चाहते हैं यहाँ पे 1234 आ गया, तो इसका मतलब है ये कनेक्ट हो गया। और दूसरा काम हम ये करना चाहते हैं कि ये फर्स्ट यहाँ से ख़त्म करके यहाँ पे आ जाए, यानी ये जो नई नोड आई है ये फर्स्ट हो जाए और जो ऑलरेडी प्रीवियस नोड थी, जो ऑलरेडी इंसर्टेड नोड थी, वो लास्ट हो जाए। इंसर्ट बिफोर फर्स्ट, यानी पिछले जो फर्स्ट वाली नोड थी वो लास्ट, वो वैसे की वैसी रहे, सिर्फ इतना है कि फर्स्ट वाली नोड, फर्स्ट वाला पॉइंटर जो है वो नई नोड पे आ जाए। ज़ाहिर है बिफोर फर्स्ट, फर्स्ट से पहले इंसर्शन हो रही है, तो नई नोड जो बनेगी वो फर्स्ट होगी। लेकिन सेकंड ये भी होना चाहिए कि जो नई नोड बनी है उसके नेक्स्ट में, उसके नेक्स्ट वाले वेरिएबल में इस फर्स्ट वाली नोड का एड्रेस आ जाना चाहिए। लॉजिकली ऐसे होगा। तो अब इसकी इंस्ट्रक्शंस अगर लिखें तो कैसे लिखी जाएंगी इसकी इंस्ट्रक्शंस? जो भी नई नोड आ रही है एन, हम उसको कहते हैं कि ये एन नई नोड आ रही है क्योंकि हमने नई नोड ही उसको पास करनी है, सब जो कंस्ट्रक्ट की है। ओके, दूसरा हम लिस्ट पास करेंगे उसे, तो लिख लेते हैं यहाँ पे void insert before first। अगेन दो पैरामीटर्स हैं, लिस्ट एल और दूसरा है नोड टाइप का पॉइंटर जिसको हमने बिफोर फर्स्ट इंसर्ट करना है ये। और इंस्ट्रक्शंस क्या लिखेंगे? एन ये जो नई नोड आई है, जो क्रिएटेड नोड है जिसमें वैल्यू आप असाइन कर चुके हैं 5 की, एन जो कि पॉइंटर है इसको, इसलिए एरो का साइन, एन के नेक्स्ट में, एन के नेक्स्ट में लिस्ट डॉट फर्स्ट, लिस्ट पॉइंटर नहीं है इसलिए डॉट यूज किया। जो फर्स्ट वाली नोड है उसका एड्रेस फर्स्ट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी के एड्रेस की बात हो जाएगी, नोड का नाम इटसेल्फ उसका एड्रेस होगा। एन के नेक्स्ट में, एन में नहीं, एन के नेक्स्ट में, क्योंकि एन एक नोड है, उसके अंदर दो वैल्यू, दो इन्फॉर्मेशन है, एक वैल्यू और दूसरा नेक्स्ट नोड का एड्रेस। उसके नेक्स्ट में आपने कहा कि लिस्ट का जो फर्स्ट वाली नोड है उसका एड्रेस होगा, ठीक है। ये वाला काम तो हमने कर लिया इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू। अब ये वाला काम करना है, यानी इस एफ को भी इधर स्विच करना है। एल डॉट फर्स्ट लिस्ट का जो फर्स्ट है वो भी एन को पॉइंट करना शुरू कर दे, बजाय इसके जिसको भी पॉइंट कर रहा था वो एन को पॉइंट करना शुरू करे। ये वो एन वाली नोड है, ये दूसरा केस था इंसर्शन का। तो ये दो केसेस हैं इंसर्शन के। अगर आपने लिंक लिस्ट में कुछ इंसर्ट करना है तो ये दो केसेस बता रहे हैं कि दो टाइप की इंसर्शन जी किस तरह से हो रही है। ठीक हो गया। हम नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना भी नहीं है। हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, इंसर्ट आफ्टर लास्ट। वैसे बेस्ट ये है कि इसके लिए आप पहले खुद से इंस्ट्रक्शंस लिख के देखें पेपर पे कि किस तरह से लिखी जा सकती है, उसके बाद फिर आगे वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। अगर आप इस तरह कर लें तो ये ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है। इंसर्ट आफ्टर लास्ट, यानी लास्ट नोट के बाद अगर आपने इंसर्शन करनी है तो किस तरह से इंसर्शन करनी है? इंसर्ट आफ्टर लास्ट,
for example, you already constructed link first है और ये जो पहली नोड है इसका एड्रेस, हर एक के ऊपर उसके एड्रेसेस इसलिए लिख रही हूँ कि हमें पता हो कि नेक्स्ट एड्रेस कौन सा है, अदरवाइज वैसे तो पता नहीं चलता लेकिन हमें कनेक्शन करने में आसानी हो जाए, यहाँ पे इलस्ट्रेशन में डेमोन्स्ट्रेशन में आसानी हो जाएगी, वरना लिंक लिस्ट बनाते हुए इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, और नई नोड है जो हमने करनी है उसको ग्रीन से कर, ये नई नोड है जिसको इंसर्ट करना है और इसका एड्रेस है अगेन एड्रेसेस अज्यूम किए हैं मैंने, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ नहीं है, बस अज्यूम्ड एड्रेसेस हैं। अच्छा, अब अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड का मतलब कि इसके पास एड्रेस यहाँ पे पड़ा हुआ है A B 01 का, इसके पास एड्रेस क्योंकि ये इसके साथ 30 के साथ कनेक्टेड है तो इसके पास एड्रेस है FABA FABA। हमने अज्यूम किया कि लिस्ट हमने कंस्ट्रक्ट कर ली है और 30 के पास एड्रेस है BAF1। और BAF1 के पास नेक्स्ट में डेफिनेटली नल है क्योंकि ये लास्ट नोड थी। अब हम ये चाहते हैं और फर्स्ट जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है और लास्ट फिलहाल इसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट नोड ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि लास्ट के बाद इंसर्शन करें तो अच्छा इसके पास नेक्स्ट में नल है, इसके नेक्स्ट में फिलहाल नल है, कुछ इस तरह का। ओके, हम ये चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे नल ख़त्म हो जाए यहाँ से और यहाँ पे आ जाए 8AFF जो कि इस नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, ताकि ये कनेक्शन हो जाए। ठीक है, ये कनेक्शन हो जाए और डेफिनेटली दूसरा हम ये चाहते हैं कि ये लास्ट पॉइंटर यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ जाए, यानी यहाँ पे लास्ट पहले इसको पॉइंट करना शुरू हो जाए लास्ट। ये दो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने करनी है, तो ये कैसे होंगी, ये भी इतना मुश्किल केस नहीं था मेरा ख्याल है, नेक्स्ट वाला केस था जिसमें हमने अच्छा। अब void insert after last, अगेन वही दो पैरामीटर जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, मैं डॉट्स लगा रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्या लिखनी चाहिए हमें कि ऑलरेडी जो लास्ट नोड थी एल डॉट लास्ट, जो लास्ट वाली नोड है उसके नेक्स्ट में, सो ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है कि जो लास्ट नोड है एल डॉट लास्ट को हम ज़ाहिर लिस्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं, सो एल डॉट लास्ट होगा, हमारे पास यहाँ पे लिस्ट अवेलेबल है, हम लिस्ट के ऑब्जेक्ट यानी एल के थ्रू एक्सेस करेंगे एल डॉट लास्ट, और लास्ट को मूव करने से पहले हम देखेंगे कि ये जो लास्ट वाला वेरिएबल है उसका जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है उसमें वैल्यू रखवा दे ये जो नई नोड आ रही है एन उसका, और उसके बाद एल डॉट लास्ट इसके अंदर भी वैल्यू चेंज कर दे। सो दो चीज़ें, एक तो वो पॉइंटर इटसेल्फ होता है जिसका एड्रेस होता है, जैसे कि ये हर नोड का इटसेल्फ एक एड्रेस है, ठीक है, दूसरा ये दूसरा एड्रेस होता है उसके नेक्स्ट का एड्रेस जो होता है, ये दो एड्रेसेस हैं, इनको कन्फ्यूज नहीं करना आपने। जब हम इटसेल्फ नोड की बात करते हैं, जब लास्ट की बात करते हैं तो बात करते हैं हम BAF1 की, जब हम लास्ट के नेक्स्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो नल पड़ा हुआ था, हम चाहते हैं लास्ट के नेक्स्ट में नल की बजाय 8AFF आ जाए तो एन हो जाए, ठीक है, इसके थ्रू आ जाएगा, और एल डॉट लास्ट इज इक्वल टू वो भी 8AFF हो जाए यानी एन हो जाए, लास्ट भी इसको पॉइंट करें, दैट्स इट। ये दो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके थ्रू आप लास्ट नोड के बाद इंसर्शन होती है। आई होप क्लियर होंगी, इतना कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो रहा है लॉजिकली, अगर आपको ग्राफ के थ्रू इस डायग्राम अगर क्लियर हो जाती है ना तो यू कैन कोड इट वेरी वेल। डायग्राम क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है, हो सकता है आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी ना हो,
प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन लॉजिकली इंस्ट्रक्शन इस तरह की होनी चाहिए. लॉजिकल इंस्ट्रक्शन लिखने में अगर प्रोग्राम करते हुए प्रॉब्लम आती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो एक पार्ट होता है, प्रोग्रामिंग नहीं अच्छी होती, कोई मसला नहीं है. लेकिन लॉजिकली इसको लिखेंगे किस तरीके से, ये क्लियर होना चाहिए. ठीक है, आप पॉइंट का और डॉट का डिफरेंस अगर नहीं, सॉरी, ये इज इक्वल्स टू आना था, ये इक्वल्स टू. सो लॉजिकली इसकी इंस्ट्रक्शंस लिखनी आनी चाहिए. ठीक है, फंक्शन का हेडर ठीक नहीं लिखा, कोई मसला नहीं है, लेकिन लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस जो है ये इंपॉर्टेंट है. पेपर में या क्विज में भी ये पूछी जा सकती है आपसे. चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं. अभी तक हमने 3 केसेस किए हैं. फर्स्ट केस था जिसमें फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट किया था, सेकंड केस था जिसमें हमने बिफोर फर्स्ट किया था इंसर्शन, थर्ड केस था जिसमें हम लास्ट के बाद इंसर्शन कर रहे हैं. सो 3 केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं. अब मिडिल की बारी है जो कि लास्ट केस है, इंसर्शन करते हुए. अभी तक हम करते आए हैं कि जिस जब आपके पास एक ही नोड अवेलेबल है इंसर्शन के लिए, अब हम देख रहे हैं कि अगर कुछ इस तरह से करना है कि दो नोड्स दी हुई हैं, इन दोनों नोड्स के मिडल में आपने डिटर्मिन आपने इंसर्शन करनी है, तो किस तरह से इंसर्शन होगी. दो नोड्स के दरमियान में अगर इंसर्शन करनी है तो किस तरह से होगी, यानी वॉइड. पैरामीटर्स क्या होंगे अगेन, इसमें एक तो लिस्ट का पैरामीटर है, दूसरा नोड टाइप कि वो नोड वन जिसके बाद इंसर्शन करनी है, यानी तो जिसके, और ये दूसरी नोड, यानी इन दोनों नोड्स के दरम्यान में आपको इंसर्शन करनी है. ठीक है, और ये वो नोड है जिसको आपने इंसर्ट करना है. नोड सो काफ़ी इंफॉर्मेशन है इसमें आपके पास, वो नोड भी है जिसको इंसर्ट करना है और वो दो नोड भी है जिनके दरमियान में इंसर्शन करना है. सो लॉजिकली अगर आपके पास डायग्राम तक कोड कर लेते हैं, यहाँ पे अगर कुछ इस तरह से है कि ऑलरेडी बिगन है और इसको इंसर्ट करना है, ये इस तरह से कनेक्टेड है. कनेक्टेड होने का अगेन मतलब ये कि इनके पास एड्रेसेस है. मेरे पास यहाँ बोर्ड पे जगह कम है, अदरवाइज मैं आपको एड्रेसेस ड्रॉ करके देती हूँ, लिखते हैं. ओके, अब कुछ इस तरह से करना है कि जो नई नोड है इसको हम फॉर एग्जांपल हम कुछ इस तरह से करना चाहते हैं कि हम ये N1 है, ये N2 है, ये वाली N1 और N2 और ये N1. ठीक है, तो क्या करना चाहते हैं हम, फिर कनेक्ट करना चाहते हैं इन दोनों के मिडल में, ऐसे कर दें और ऐसे कर दें. सॉरी, कुछ इस तरह से अगर हमने करना है, कुछ इस तरह से अगर हमने ड्रॉ करना है तो किस तरह से होगा. ये जो नई नोड है ये इसका नाम है ना, तो हम करते ये हैं कि एन के नेक्स्ट में N2 कर देते हैं, एन के नेक्स्ट में N2. ठीक है, और
क्योंकि ये एंड है, इसके वाला इसके पास जो नेक्स्ट है वो नल है, सो नेक्स्ट के पास एड्रेस होना चाहिए एन टू का, और एन वन के नेक्स्ट में पहले एन टू का एड्रेस है, एन वन के नेक्स्ट में आप कर दें एन, दैट्स इट। सो अगर इस तरह से कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो ये इस तरह से आप इसकी इस तरह से इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। तो ये कुछ केसेस हैं इंसर्शन के जो हमने डिस्कस किए हैं। अभी तक हमने चार केसेस डिस्कस किए हैं इंसर्शन के। इंसर्शन जो फर्स्ट नोड इंसर्ट करनी है, जो आपने बिफोर फर्स्ट करनी है, आफ्टर लास्ट, और इन द मिडल ऑफ टू नोड्स अगर आपने करनी है, ठीक है। ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन था इंसर्शन का कि किस तरह से नोड्स इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है। ये लॉजिकली क्लियर होना चाहिए, आई होप क्लियर होगा, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो एक एग्जाम्पल मैं आपको एक ऐसी एग्जाम्पल करवाती हूँ कि किस तरह से एग्ज़ाम में या क्विज में आ सकता है। इंसर्शन का टॉपिक इनफैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ अभी, नेक्स्ट सेशन में मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगी, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका कोड करेंगे, और इसके अलावा भी एक दो और केसेस भी अगर देखते हुए तो हम देखेंगे कि और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो इंसर्शन करते हुए आपको आ सकती हैं। सो डोंट वरी, अभी इंसर्शन का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, इसको नेक्स्ट सेशन में भी जब हम रिवाइज भी करेंगे और उसके बाद फिर साथ नए केसेस भी करेंगे, कोड भी करेंगे, तो ये और क्लियर हो जाएगा। सो डोंट वरी। अच्छा, अब एक एग्जांपल इस तरह की करते हैं कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में आ सकती है या कुछ में आ सकती है। अच्छा, कुछ इस तरह से कि लिंक लिस्ट आपको ग्राफिकली डिज़ाइन करके दी होगी, assumed addresses हैं, so आपने परेशान नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, और क्वेश्चन में आपको सिंपलेस्ट सभी क्वेश्चन हो कोड से रिलेटेड इसका, तो किस तरह से हो सकता है कि मेन में देखें, यहाँ पे अगर मैं सी आउट एन वन करूँ तो इसे क्या शो करना चाहिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या होगा कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, स्क्रीन के ऊपर अगर इसे रन करें तो इसकी आउटपुट क्या आएगी। सो आपने आंसर ये करना है इसका कि एन वन जो है उसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस है, सो इसकी आउटपुट आएगी 1 2 A 1। ये आउटपुट कैसे आती है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एन वन की बात की जा रही है, एन वन फर्स्ट नोड है और फर्स्ट नोड का एड्रेस 1 2 A 1 है। इसी तरह अगर यहाँ पर सी आउट करें एन टू, तो इसे क्या आउटपुट करनी चाहिए, 30 वाली नोड, क्योंकि 30 वाली नोड है ना जो एन टू है, 2A3B। ये आउटपुट कैसे आ रही है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। कैलकुलेशन तो खैर नहीं हो रही है, आपको ये डिटर्मिन करनी आनी चाहिए। इसी तरह अगर मैं पूछूँ आपसे कि ओवरऑल एन थ्री, तो एन थ्री की आउटपुट आएगी यहाँ पे, सॉरी एन थ्री की तो सिंपल FAB1 आएगी, अगर एन थ्री क्योंकि पॉइंटर है एन थ्री का नेक्स्ट, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, एन थ्री के नेक्स्ट में नल है। सो ओवरऑल आप बताएंगे अगर ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं तो इट मीन्स आपने तीनों आउटपुट्स मेंशन करनी होंगी क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। सो इस तरह से इसका क्वेश्चन आएगा, इसका कोड का क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि आपको डायग्राम बना के बताई होगी और उसके बाद आपसे कोड ने पूछा गया होगा कि ये आउटपुट्स क्या आती हैं, रिजल्ट्स क्या जनरेट करेगा।
सो अगर आपकी लॉजिक्स क्लियर होंगी तो आप इसका कोड गेट आप इसका कोड डेफिनेटली डिटर्मिन कर सकेंगे कि क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे अगर मैं कोड में थोड़ा सा चेंज कर लूँ कि ठीक है क्रिएटेड नोड्स तो वही हैं, अगर इस तरह से कुछ पूछ लिया जाए कि सी आउट एन टू नेक्स्ट कि नेक्स्ट में तो इसकी क्या आउटपुट आएगी, तो इसका आपने सिंपल बता देना है कि एन टू दिस इज एन टू नोड, एन टू वाली आप चेक कर लें कौन सी है 30, एन टू के नेक्स्ट में क्या है एफ ए बी वन, सो एफ ए बी वन ये इसकी आउटपुट है, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए एन टू क्या है, एन टू का नेक्स्ट क्या है, एन वन क्या है उसका नेक्स्ट क्या है, एन थ्री क्या है और उसका नेक्स्ट क्या है, ये इन्फॉर्मेशन ये डायग्राम देख के आपको चीज़ें क्लियरली पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग के परस्पेक्टिव से नहीं, लॉजिकल लॉजिक के परस्पेक्टिव से आपको फिलहाल क्लियर होना ज़रूरी है। पहले लॉजिक क्लियर होगी, आप उनकी इमेजिनेशन में लिंक्ड प्रॉपरली बनना शुरू होगी तो फिर ही आप उसे कोड कर सकेंगे। नेक्स्ट सेशन में अब हम इसको प्रॉपरली कोड करके देखेंगे कि किस तरह से इस लिस्ट को कोड किया जाता है, और अगर इंसर्शन के एक दो केसेस और भी देखने हुए तो हम तब देखेंगे किस तरह से लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कराया जाता है, किस तरह लिंक लिस्ट में सर्चिंग की जाती है। तो इस तरह का कोड हम कुछ नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह।